भाई और बहनों, दीदी ने बीते 10 सालों में विकास के नाम पर आपके साथ विश्वासघात किया है। विकास के हर काम में, हर काम के आगे दीदी दीवार बन के खड़ी हो गई, दीवार बन के खड़ी हो गई। केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा दी तो दीदी दीवार बन गई। केंद्र सरकार ने शरणार्थियों की भी मदद के लिए कानून बनाया तो दीदी इसका भी विरोध करने लगी। केंद्र सरकार ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति के लिए कानून बनाया तो दीदी फिर आग बबूला हो गई। केंद्र सरकार ने किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने वाले कानून बनाए तो दीदी विरोध में उतर आई। केंद्र सरकार ने किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करने शुरू किए तो दीदी ने इससे भी किसानों को वंचित रख दिया। साथियों, बंगाल को विकास रोकने वाली नहीं, डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार। बंगाल की बीजेपी सरकार आपका लाभ कराने वाली हर उस योजना को लागू करेगी जिन्हें दीदी की सरकार ने रोका हुआ है। पहली ही कैबिनेट में पीएम किसान सम्मान निधि पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। बंगाल के हर किसान के खाते में 18,000 रुपये सीधे ट्रांसफर हो, जिसको दीदी ने रोकने की कोशिश की, 2 मई के बाद नई सरकार बनने के बाद दीदी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि सरकार आपने बनाई है, आपके लिए बनाई है और वो आपके लिए काम करेगी।